टीवी के सीरियल मीत में आज फिल्माया जा रहा है आखिरी दिन का शूट, क्योंकि ये सीरियल अपने दर्शकों से अलविदा कहने वाला है और सीरियल की एंडिंग तो हैप्पी होनी ही चाहिए। आज के सीन में श्लोक पहुंच गया है अपने म्यूजिक स्टूडियो अपना गाना रिकॉर्ड करने के लिए और साथ ही उसका हौसला बनकर आई है सुमित भी। बस श्लोक ने गाना गुनगुनाना तो शुरू किया लेकिन उसे न जाने हिचकिचाहट होने लगी। ऐसे में सुमित पहुंच गई श्लोक का हाथ थामने और उसका हौसला बढ़ाने और देखिए कैसे अपनी बीवी का साथ पाकर श्लोक ने छेड़ दी सुरों की तान और बन गए महान सिंगर। भाई श्लोक को कामयाबी मिली है, ऐसे में घरवाले ये खुशियां मनाएंगे ही, क्योंकि इनके घर में अब खुशियों की एंट्री जो हो रही है इसीलिए घर में चल रहा है सेलिब्रेशन। सभी के चेहरे पर खुशियां छाई है लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि सुमित अपनी ननद पंखुड़ी का हाथ पकड़कर उसे वापस घर ले आती है, वो पंखुड़ी जिसने राज की शादी में बवाल किया था। खैर सीरियल की एंडिंग है, परिवार का एक होना तो लाजमी है। ऐसे में पंखुड़ी ने हाथ जोड़कर सभी घर वालों से माफी मांगी, घर वालों ने उसे माफ भी कर दिया और सुमित ने पंखुड़ी की जोड़ी बना दी। दुश्मन से बढ़कर दर्द दिया है सब लोगों को, अच्छा हुआ हमारे जिंदगी से चली गई। खैर छोड़ो, अब मिस्टर रमानी वो मीडिया को साथ लेके आने वाले होंगे यहाँ पे। चलो चलो एक मिनट, हाँ मैं बस अभी। अरे कहाँ जा रही हो? मुझे सिर्फ आप लोगों की माफी चाहिए और कुछ नहीं, सिर्फ माफी। मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आप लोग मुझे माफ कर देंगे तो मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी और कभी किसी को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। भाई आप ही ने तो सिखाया कि अगर किसी को उसकी गलती का एहसास हो जाए वो माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए। स्त्री को एहसास है उनकी गलती का, प्लीज माफ कर दीजिए। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।